दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी जो है रियलमी का कोई सा भी मोबाइल है और उसमें आप लोग जो है कॉल रिकॉर्डिंग करते हो, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग आपने चालू कर रखी है लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ पर जाकर सेव हो जाता है, किस फोल्डर में सेव होता है, किस फाइल में सेव होता है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखना। इस वीडियो में आपको जो है दो ऐसे तरीके बताऊँगा जिनसे आप लोग अपने मोबाइल में जो है कॉल रिकॉर्डिंग्स को देख पाओगे, वहाँ पर आपको जो है वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो भी आपने अपने मोबाइल में कर रखी होंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, आपको बताते हैं उन तरीकों को। तो दोस्तों, सबसे पहले तरीका दोस्तों क्या है कि आपको अपने मोबाइल में जो है टूल्स नाम से एक फोल्डर दिखाई देगा, एक ऐप दिखाई देगा टूल्स नाम से, तो आपको जो है टूल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिकॉर्डर नाम से एक ऐप, तो आपको जो है इस रिकॉर्डर वाले ऐप पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है दोस्तों थ्री लाइन का एक ऑप्शन, तो आपको जो है इस थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिकॉर्डेड कॉल्स का ऑप्शन, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों ने अपने मोबाइल में जितनी भी जो है कॉल रिकॉर्डिंग की होंगी वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर जो है मैंने अपने मोबाइल में दो कॉल रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में जो दो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने अपने मोबाइल में जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग की होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरीके से भी आप लोग अपने मोबाइल में जो है कॉल रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो, उनको सुन सकते हो, उनको चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, सबसे पहला तरीका यही है। तो अगर आपको इस तरीके से जो है यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है तब तो ठीक है, अगर आपको इस तरीके से यहाँ पर जो है कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही तो मैं आपको जो दूसरा तरीका बताऊंगा उससे आपको अपने मोबाइल में जो है डेफिनेटली जो है कॉल रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। तो दूसरा तरीका दोस्तों क्या है कि आपको अपने मोबाइल में जो फाइल मैनेजर होता है उसको आपको यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों, फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन, तो आपको जो है इस इंटरनल स्टोरेज पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डर होंगे वो सारे फोल्डर यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो है तीन ऐसे फोल्डर के नाम बताने वाला हूँ जिनमें जो है किसी ना किसी फोल्डर में आपको जो है आपके मोबाइल की जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग होंगी वो सारी वहाँ पर आपको जो है सेव वही मिलेंगी। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले फोल्डर की। तो सबसे पहले फोल्डर का नाम है दोस्तों, उसका नाम है कॉल रिकॉर्ड्स या फिर कॉल रिकॉर्डिंग नाम से आपको एक फोल्डर देखना है। आपको यहाँ पर ढूंढना है कॉल रिकॉर्ड या फिर कॉल रिकॉर्डिंग नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा। ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों यह है कि आपको ऊपर दिख रहा है सर्च बार, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है कॉल। जैसे आप लोग यहाँ पर कॉल सर्च करोगे उतने में ही आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड का एक फोल्डर, तो आपको जो है इस कॉल रिकॉर्ड वाले फोल्डर को ओपन करना है। इसको ओपन करते ही आपके मोबाइल में जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग होंगी वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएंगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरी सारी कॉल रिकॉर्डिंग आ चुकी है। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप लोग यहाँ से इस फोल्डर से कॉल रिकॉर्डिंग देख सकते हो, जो कि यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर सारी कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको जो है इस फोल्डर में जो है कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलती तो मैं आपको जो दूसरा फोल्डर बता रहा हूँ उसमें भी आपको जो है कॉल रिकॉर्डिंग मिल सकती है। दोस्तों दूसरा जो फोल्डर है उसका नाम है दोस्तों, यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर सर्च करना है म्यूज़िक नाम से। तो आप लोग जैसे म्यूज़िक सर्च करोगे तो यहाँ पर जो है म्यूज़िक नाम का जो फोल्डर है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसको आपको यहाँ पर जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर भी आपको जो है कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी आपको जो है कॉल रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन जो है फोल्डर दिखाई देगा, उसको आप उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल की में जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इन दोनों फोल्डर से जो है कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर जो है देख सकते हो। अगर इन दोनों फोल्डर में भी अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलती तब मैं आपको जो है तीसरा एक फोल्डर और बता देता हूँ, उससे भी आपको जो है यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको जो फोल्डर का नाम है दोस्तों थर्ड का, उसका नाम है साउंड। जैसे आप लोग यहाँ पर साउंड सर्च करोगे उतने में ही आ जाएगा, वो साउंड रिकॉर्डर नाम से एक फोल्डर है। तो आपको जो है साउंड रिकॉर्डर वाले फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पर ओपन करते ही आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों कॉल रिकॉर्ड का एक जो है फोल्डर, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल में जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग है उनको देख सकते हो, उनको सुन सकते हो, उनको डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पर जो है तीनों फोल्डर का नाम बता दिया, इनमें से आपको किसी ना किसी फोल्डर में जो है कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए। इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना।